तो ऑलराइट गाइस, मैं अपने ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ और काफी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ ये गाड़ी मेरे को लग रही है। पहले की ब्रेजा से काफी अच्छी और काफी स्मूथ राइड इसकी हो गई है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि 2000 आरपीएम पे मेरा इंजन है, जो आप सुन पा रहे होंगे कि इसमें काफी एनवीएच लेवल काफी डाउन हो गई है पहले की ब्रेजा के मुताबिक, और इसकी राइड क्वालिटी काफी स्मूथ हो गई है जो कि आप देख सकते हैं। और स्टीयरिंग काफी लाइट वेट हो गया है जो कि आप देख सकते हैं कि काफी एक हाथ से मैं अपना स्टीयरिंग पकड़े हुए हूँ। एक्चुअली एक चाचा मेरे पीछे हैं, ये चले जाएं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो काफी लाइट इसका स्टीयरिंग हो गया है जो मोड़ते समय काफी आपको लगेगा कि आप एक एसयूवी या एक सेडान टाइप की कार चला रहे हैं, जो कि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस काफी कम होता है। हालांकि इसका 200 एमएम ग्राउंड क्लीयरेंस है, तो उसके हिसाब से इसके स्टीयरिंग में कोई आपको ऐसा भारीपन फील नहीं आएगा। और गाड़ी की राइड क्वालिटी की बात की जाए तो काफी स्मूथ हो गई है। एक्चुअली यहाँ पे इतने अच्छे रोड नहीं है कि काफी थोड़ा सा मैं इसको स्पीड करके आपको दिखा सकूँ, लेकिन फिर भी जितना मैं कर पा रहा हूँ 2000 तक आरपीएम में इसको आप थर्ड गियर में 2000 तक आरपीएम में लेके जा रहा हूँ। और गाड़ी का सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन पहले से काफ़ी कंपनी का कहना है कि इसके जो स्प्रिंग टाइप के सस्पेंशन उसको ट्यून किया गया है और उसको पहले के मुताबिक काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है। तो वो चीज़ें यहाँ चलाने के बाद मेरे को फील हो रही हैं कि एक्चुअली वो सिर्फ पेपर में नहीं है, काम हुआ है गाड़ी के सस्पेंशन में। तो ये सारी चीज़ें ब्रेजा को ये एक अच्छी चीज़ बनाती है। हालांकि ब्रेजा पहले भी ब्रेजा का सेल अच्छा था, ब्रेजा की क्वालिटी अच्छी थी, और अब तो इसमें और इम्प्रूवमेंट हो गई है नई वाली ब्रेजा के साथ। हालांकि सेगमेंट में थोड़ा सा आपको ये 1.5 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। एक्चुअली इसमें ऑटोमेटिक भी आता है जो कि अभी अवेलेबल नहीं था, मेरे पास यही मैनुअल वाला ही था। लेकिन मैनुअल में आपको फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो 20 प्लस की आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी जो कि, और इसमें हाइब्रिड की बैजिंग मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई थी कि हाइब्रिड की बैजिंग है। तो इसमें एक बैटरी आ गई है, वो इंजन स्टार्ट स्टॉप करने वाली बैटरी नहीं, एक अलग से बैटरी आ गई है जो पीछे वाली सीट के नीचे है, और एक मोटर है जो इंजन से कनेक्ट है। तो उसके हिसाब से आपको काफ़ी फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी में बढ़ गई है, जो कि अगर सेगमेंट के बात करें तो मारुति ने काफी अच्छी चीज लॉन्च करी है इस बार। सॉरी आई डिडंट गेट दैट, प्लीज से दैट अगेन। और मैं फिलहाल इसमें 60 के स्पीड पे हूँ और आप गाड़ी में एनवीएच लेवल देख सकते हैं, काफी वाइब्रेशन और बाहर के डैम्पिंग पे काफी काम किया गया है। सेफ्टी की बात कर ली जाए तो गाड़ी में आपको 6 एयरबैग, ESP, EVD और ABS के साथ साथ आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो कि सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब रोडों पे मैं अभी चला रहा हूँ, तो गाड़ी में कोई भी मेरे को वाइब्रेशन या फिर सस्पेंशन, जो पहली वाली ब्रेजा को भी मैंने चलाया है, तो पहली वाली ब्रेजा के चलाते समय और इस ब्रेजा को चलाते समय काफ़ी मेरे को इसका सस्पेंशन लाइट लगा, कोई भी आवाज़ अंदर नहीं आती है कि आपको बहुत सारी आवाज़ आती है। बहुत सारी गाड़ियों में अभी जैसे महिंद्रा ऐसे भी 700 है, तो उसके सस्पेंशन में अभी एक प्रॉब्लम थी, खटखट की एक आवाज़ आती थी जो कि केबिन तक आती थी, बाहर तो आती थी केबिन तक, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा इस गाड़ी में, जो कि मैं थोड़ा सा अभी आपको खराब रोड पे लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि रोड यहाँ पे इतना अच्छा हमारे रायगढ़ में है नहीं, जिसके लिए मैं इसको थोड़ा सा तेज नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो उस चीज़ के लिए भी मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि खराब रोड के तो एक खराब रोड की टेस्टिंग भी हो जाएगी कि जिसमें हमारे सस्पेंशन जो कंपनी बोल रही है कि ट्यून कर दिया है सस्पेंशन, काफी पहले से लाइट कर दिया जाए, तो उस चीज की आपको देख रहे हैं कि मैं खराब रोड पे भी थोड़ा सा इसको ले गया। सस्पेंशन की बात की जाए तो कंपनी में काफी सुधार किए हैं इसमें, जो कि अच्छी बात है। और यही सारी चीजें ब्रेजा को एक अच्छी कार के रूप में बनाती है। यही सारी चीज मेरा कंक्लूजन था, बाकी अगर कोई टाइम मिला तो मैं इसको लंबी ड्राइव भी करके आपको दिखाऊंगा। खैर अभी तो ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है और एक ही पीस हमारे यहाँ आ पाया है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मैं इसके साथ बिता सकता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया है। तो
इतने में गाड़ी आपको कैसी लगी ये मेरे को बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको गाड़ी अच्छी लगती है तो आप सत्या ऑटोमोबाइल्स पे आ सकते हैं रायगढ़ में, जो कि जिंदल रोड में है, और टेस्ट ड्राइव इसकी ले सकते हैं। और कार आपको पसंद आती है तो इसकी आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।